हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बताऊंगा किस तरीके से आप पुराना फेसबुक अकाउंट कैसे ओपन करें, पुराना फेसबुक आईडी कैसे खोलें, ओल्ड एफबी अकाउंट ओपन 2024 के बारे में। पुराना फेसबुक आईडी को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले फेसबुक की ऑफिशियल ऐप को ओपन करना है। इससे फेसबुक की ऑफिशियल ऐप को ओपन करते हो कुछ तरह का इंटरफेस आया था। अगर आपका पहले से एक फेसबुक का आईडी लॉगिन है तो आपको क्या करना है, अपना फेसबुक अकाउंट को लॉगआउट कर लेना है। तो लॉगआउट करने के लिए आपको टॉप पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन दिया, आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। इसे आप थ्री लाइन पर क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लॉगआउट, तो आपको लॉगआउट पे क्लिक करना है। इसे आप लॉगआउट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप ऑप्शन आ जाएगा लॉगआउट, तो आपको लॉगआउट पे क्लिक करना है, लॉगआउट ऑफ योर अकाउंट। जिसे आप लॉगआउट पे क्लिक करोगे कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पुराना फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लॉग इन इन टू अनदर अकाउंट, तो आपको लॉग इन इन टू अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। इसे आप लॉग इन इन टू अनदर अकाउंट पे क्लिक करोगे देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पुराना फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉरगेट पासवर्ड, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा फाइंड योर अकाउंट, तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे परमिशन दे सकते हो, नहीं तो आप डिनाई कर सकते हो, तो मैं अभी डिनाई कर देता हूँ। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा फाइंड योर अकाउंट एंटर योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है जिस भी मोबाइल नंबर से आपने फेसबुक अकाउंट को क्रिएट किया होगा। तो अगर आपको अपना मोबाइल नंबर याद है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को एंटर कीजिएगा। तो मोबाइल नंबर पे अपना सबसे पहले अपना कंट्री कोड देना है, तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे 91 एंटर कर दिया हूँ। देन आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मम्मी का एंटर कर सकते हो, पापा का एंटर कर सकते हो, भाई का एंटर कर सकते हो, बहन का एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर को एंटर करके ट्राई कर लेना है। मोबाइल नंबर को एंटर कर देने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जिसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा सिक्योरिट का, आपको उसको एंटर कर लेना है और आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट को जीमेल से क्रिएट किया होगा तो आपको क्या करना है, सर्च बाय ईमेल इंस्टेंट पे क्लिक करना है। इसे आप सर्च बाय ईमेल इंस्टेंट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा फाइंड योर अकाउंट एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी को एंटर कर लेना है जिस भी जीमेल से आपने फेसबुक अकाउंट को क्रिएट किया होगा। तो मुझे अपना जीमेल आईडी याद है तो यहाँ पे मैं अपना जीमेल अकाउंट को एंटर कर लेता हूँ। जीमेल आईडी को एंटर कर देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यूज योर गूगल अकाउंट, तो यहाँ पे आपका डीपी शो कर जाएगा, ठीक है, पुराना फेसबुक अकाउंट का। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्राई अनदर वे, तो आपको ट्राई अनदर वे पे क्लिक करना है। इसे आप ट्राई अनदर वे पे क्लिक करोगे देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। शेख जवाद अली चूज अ वे टू लॉग इन, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गेट कोड और लिंक विया व्हाट्सएप, कन्फर्म विया फोन कॉल, गेट कोड और लिंक विया ईमेल, एंटर पासवर्ड टू लॉग इन, गेट कोड और लिंक विया SMS। तो अगर आपने फेसबुक अकाउंट को मोबाइल नंबर से क्रिएट किया होगा तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने मिल जाएगा, गेट कोड और लिंक विया व्हाट्सएप, कन्फर्म विया फोन कॉल, और एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा गेट कोड और लिंक विया SMS। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट को जीमेल से क्रिएट किया होगा तो आपको दो ऑप्शन देखने मिल जाएगा, गेट कोड और लिंक विया ईमेल, और एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा एंटर पासवर्ड टू लॉग इन। तो मैंने अपना फेसबुक अकाउंट को मोबाइल नंबर से लिंक किया था और जीमेल से लिंक किया था, तो मेरे यहाँ पे सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपने फ़ोन नंबर से क्रिएट किया होगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गेट कोड और लिंक विया SMS, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, SMS आएगा फेसबुक टीम की तरफ से, नहीं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कन्फर्म विया फ़ोन कॉल, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक कॉल आएगा, तो आपको उसको रिसीव नहीं करना है, तो आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो गेट कोड और लिंक विया व्हाट्सएप, तो आपके व्हाट्सएप पे एक OTP आएगा, तो आपको उसको OTP को कॉपी करना है और एंटर कर लेना है, आपका फेसबुक अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपना अकाउंट को जीमेल से क्रिएट किया होगा तो आपको गेट कोड और लिंक विया ईमेल पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ गेट कोड और लिंक विया ईमेल। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको इस सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसे आप सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जिसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपके जीमेल आईडी पे एक लिंक आएगा या फिर कोड आएगा। देन आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कन्फर्म योर अकाउंट विद सेंट अ कोड टू योर ईमेल, एंटर दैट कोड टू कन्फर्म योर अकाउंट। तो ये बोला है कि हमने आपके जीमेल आईडी पे
एक कोड सेंड किया है, तो आपको उसको एंटर कर लेना है। तो मैं आपको जीमेल पे ले आता हूँ, ये रहा जीमेल एप्लीकेशन। जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्री लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऑल इनबॉक्स, तो आपको ऑल इनबॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल इनबॉक्स पे क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा फेसबुक, तो आपको इस मेल को ओपन करना है। इसे आप मेल को ओपन करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोड देखने को मिल जाएगा, हाई शेक रिसीव अ रिक्वेस्ट टू रिसेट योर फेसबुक पासवर्ड। तो आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, कॉपी कर लेना, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी कोड को एंटर कर लेता हूँ फेसबुक पे आके। कोड को पेस्ट कर देना या फिर एंटर कर देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपका कोड नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सेंड कोड अगेन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कोड को एंटर कर देने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, जिस भी पासवर्ड से आप फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो। जस्ट डेमो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड को एंटर कर देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सेव योर लॉगिन इन्फो, विल सेव द लॉगिन इन्फो फॉर शेख जावद अली, सो ओन नीड टू एंटर इट नेक्स्ट टाइम यू लॉगिन। तो ये बोला है कि अगर आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम पासवर्ड एंटर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, नहीं तो आप नॉट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। जिसे आप सेव पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एसेस टू कॉन्टैक्ट, तो ये आपका एसेस लेना चाहता है कॉन्टैक्ट का, ताकि आपके फ्रेंड के पास नोटिफिकेशन सेंड कर सके कि आपने फेसबुक ज्वाइन किया है। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो नीचे की तरफ, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। तो आपको स्किप पे क्लिक करना है। इसे आप स्किप पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऐड नंबर। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टॉप पे स्किप, तो आपको स्किप पे क्लिक करना है। इसे आप स्किप पे क्लिक करोगे, सो फ्रेंड देख सकते हो हमारा जो फेसबुक अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो आप इस तरीके से पुराना फेसबुक अकाउंट को ओपन कर सकते हो, पुराना फेसबुक आईडी को खोल सकते हो। सो फ्रेंड इसी तरीके से आप ओल्ड एफबी अकाउंट को ओपन कर सकते हो 2024 में। सो एडुकेशन विद फेसबुक, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।